क्या आप सब भी फेस स्मूथ का मास्टर बनना चाहते हैं? तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो करता स्टार्ट। सो मेरी जान, देखिए मेरा फोटो है जो HDR में है, तो सिंपली इस फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली आप लोग को यहां से शेयर करना है। शेयर करने के बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप लोग को लाइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद आप लोग को ब्लैक को कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है। उसके बाद आप लोग को वाइट को भी कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है। आप लोग अपने फोटो के अनुसार बढ़ाइएगा। शेडो को कुछ इस प्रकार से भी हाई कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग को हाईलाइट को भी कुछ इस प्रकार से अपने फोटो के अनुसार आप लोग को एडजस्ट करना है। आप लोग मेरे बताए हुए पर फॉलो करना एंड अपने फोटो के अनुसार आप लोग को एडजस्ट करना। इसके बाद आप लोग को कलर पर आ जाना एंड इसका सेचुरेशन को माइनस कर देना, ग्रीन के सेचुरेशन को माइनस कर देना है। इसके बाद आप लोग इसका भी सेचुरेशन को माइनस कर देना है एंड आप लोग को यहाँ से इसका भी सेचुरेशन को माइनस करते हैं। यहाँ से सभी का जो होता है सेचुरेशन माइनस कर देते हैं। इसके बाद आप लोग को यहाँ आना है ऑरेंज ट्यून पर एंड सेचुरेशन को माइनस करना एंड लुमियस को कुछ इस प्रकार से हाई करना। देखिए मेरा फेस जो वाइट हो गया, देखने में कितना हार्ड देखने को मिल रहा है। उसके बाद रेड ट्यून पर आना एंड सेचुरेशन को हाई करना है एंड हुमियस को भी आप लोग को कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है। देखिए कितना लाइट आ गया, देखिए आप लोग को माइनस कर देना है। उसके बाद देखिए कितना भयानक देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप लोग को यहाँ से आप लोग को डन करना एंड आप लोग को इफेक्ट का ऑप्शन पर आना, क्लैरिटी को कुछ इतना बढ़ा लेना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाएगा विग्नेट का ऑप्शन एंड आप लोग को यहाँ से अपने फोटो के अनुसार आप लोग को एडजस्ट करना है। तो आप लोग यहाँ से 20 रख लेते हैं। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाना है ऑप्टिक के ऑप्शन पर एंड दोनों को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप लोग के देखिए कितना बिफोर एंड आफ्टर कितना इमेजिंग देखने को मिले एंड फोटो को शेयर कर लेते हैं ऑटो यूज एप्लीकेशन के अंदर। सिंपली यहाँ से शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद आप लोग के बीच कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो मेरी जान, आप लोग को यहाँ पर डिसेबल कर देना एंड आप लोग को देखिए कितना HDR फोटो मेरा है, तो स्मूथ करने में बहुत मज़ा आएगा। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एंड आप लोग को बताने वाले बहुत मस्त ब्रश यहाँ पर क्लिक करना है एंड सेटिंग को कुछ इस प्रकार से रखना है। फोटो को आप लोगों को 3 रख लेना एंड फोटो को कुछ इस प्रकार से जूम करेंगे और अपने नॉर्मल हाथों से कुछ अपने फेस पर बहुत हार्ड प्रकार से स्मूथ करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए कुछ इस प्रकार से स्मूथ कीजिएगा तो आप लोग भी फेस स्मूथ में मास्टर बन सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मेरा फोटो जो HDR में दिख रहा है आप लोग के भी दिखेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिए कितना हार्ड देखने को मिल रहा है मेरा फेस स्मूथ। आप लोग राउंड कीजिएगा अपने फेस पर, तभी आप लोग का फोटो बहुत हार्ड देखने को मिलेगा। देखिए आप लोग को वीडियो देखिएगा तो आप लोग भी फेस स्मूथ में मास्टर बन सकते हैं एंड आप लोग को जब भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपना फ़ोटो डालिएगा तो बहुत हाई क्वालिटी में देखने को मिलेगा। देखिए कितना मस्त आप लोग का फ़ोटो स्मूथ हो रहा है, देखिए वाइट देखने को मिल रहा है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ना भूलिएगा। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए देखिए कितना हार्ड देखने को मिल रहा है, फ़ोटो स्मूथ कर रहे हैं। तो आप लोग अपने फ़ोटो को नॉर्मल हाथों से आराम आराम से कीजिएगा ताकि आपका फ़ोटो बहुत हार्ड देखने को मिलेगा। जब आप लोग बहुत रफ्तार में फ़ोटो स्मूथ कीजिएगा तो आपका फ़ोटो पर ब्लैक ब्लैक धब्बा दिखने को मिलेगा। तो देखिए कितना हार्ड देखने को। वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय बाय।